ओम हिंदी एकता मंच के अध्यक्ष ब्रिजेश सिंह द्वारा गुड़ी पाड़वा व नव वर्ष के शुभ अवसर पर हिंदू नव वर्ष स्वागत व शोभा यात्रा मुंबई के मलाड पक्षी में स्थित मालवणी में शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम इस शोभा यात्रा में शामिल होकर हाथ में भगवा झंडा लेकर ब्रिजेश सिंह के साथ कदम से कदम मिलाकर इस यात्रा में शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी और कई भाजपा नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा का नेतृत्व किया ब्रिजेश सिंह ने। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था ब्रिजेश सिंह और साथ ही आए हुए अतिथियों का। किस तरह से जिम्मेदारी, जिस तरह से आज केसरिया भी नजर आ रहा है पूरे मालवणी में जो हम देख पा रहे हैं, तो ब्रिजेश जी को किस तरह से और भी जिम्मेदारी देंगे कि मालवणी के जो हालात हैं उसे और बदला जाए? ब्रिजेश सिंह यहाँ पर बहुत दिनों से काम करते हैं और उनका जो संस्था है उस संस्था के माध्यम से भी वो अच्छे अच्छे लोक उपयोगी काम करते हैं और एक विजन है उनके पास काम करने का, लोगों को जोड़ने की क्षमता है। मैं मानता हूँ कि इसको और तेजी से और रफ्तार से आगे बढ़ाना चाहिए। हम सबका ध्येय हिंदुत्व को मजबूत करना यही होना चाहिए। हिंदुत्व एक बहुत बड़ा पेड़ है, एक बहुत बड़ा वटवृक्ष है और उसमें जो फल लगेंगे वो सारे समाज को खिलाने के बाद में बचेगा तो हम भी खाएंगे। इस मानसिकता में आने वाले दिनों में हमने काम करना चाहिए। हिंदवी एकता मंच की तरफ से या जो आज का आयोजन है, हिंदवी एकता मंच जो इस मालवणी परिषद में, इसमें सभी हिंदू एक साथ मिलकर एक मंच बनाए हुए हैं, हिंदवी एकता मंच अक्रॉस द पार्टी। इसमें जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी से हूँ तो मैं उसका अध्यक्ष हूँ, उस जवाबदारी मुझे दी हुई है। जो शिवसेना के विभाग प्रमुख है विकास दसपुते वो सचिव है और मनसे के है अशोक माड़ी वो खजिनदार है और आप पूरी टीम अगर आप देखेंगी तो एक हिंदू संगठन इस नाते हम लोग यहाँ पर यह यात्रा कर रहे हैं। और जब हिंदू संगठन की हम बात करते हैं तो हिंदू सबको साथ लेकर चलता है, इसलिए इस यात्रा में आपको अपने मुसलमान भाई भी दिखेंगे और वो सहयोग भी कर रहे हैं। जामा मस्जिद के पास आप जाएंगे तो उसके पहले उन्होंने भी पानी वगैरह की व्यवस्था की है। तो यह बदलाव की जरूर एक लहर है कि सभी समाज को साथ लेकर हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं और उतना उसका प्रतिसाद मिल रहा है। ये सारा श्रेय जो है अगर आप देना चाहती हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा, क्योंकि ये बदलाव की लहर एकीकरण की लहर उन्होंने शुरू की है और सबका साथ सबका विकास इस जो धोरण पर प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत की उसी धोरण पर हम सभी कार्यकर्ता यह चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब साथ मिलकर चलें और उसका प्रतिसाद भी मिल रहा है। हमें कहीं से भी कोई अपोजिशन नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं मिला। जामा मस्जिद के जो सदर हैं अजमल भाई से बात किया, जमीन मर्चेंट भाई से बात किया, बल्कि यहाँ के लोकल MLA असलम शेख से भी हमने बात किया और सभी ने इसके लिए अच्छा कहा और सभी इस यात्रा में समय समय पर शामिल होंगे और अपना सहयोग भी देंगे। इसलिए मैं हिंदू समाज की तरफ से, हिंदू एकता मंच की तरफ से उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भी इस आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि उन्होंने बढ़कर हमारा सहयोग करने के लिए उन्होंने आगे आए और वह सहयोग कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में ही यह कार्यक्रम हो रहा है और उनकी संगठन क्षमता आज सड़कों पर मालवणी के दिख रही है और इसी तरह वो संगठित करते रहे तो मालवणी ही नहीं पूरा मलाड और उत्तर मुंबई का एक हिंदू संगठन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा और उनका नेतृत्व भी निखर के आएगा। क्या लगता है मालवणी